देखिए सद्दा सद्दा निकाल लो थोड़ा, उसका कर रहा हूँ डबल रॉड। देखिए इस तरीके से सद्दे को लो और देखिए ये आपने इस तरीके से दो लड़ हो गए, एक ये और एक ये। इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो यहाँ से एक ट्रिक हो रहा है, अगर आपकी पतंग ज़्यादा देर तक चलानी है, हवा में रखनी है, उड़ानी है, तो इसको इस तरीके से यूँ डबल कर लो, चार हो जाते हैं केवल इतना सही। इसको चार करोगे तब ये देखिए आगे सीख से नहीं डालने, सीख से कभी भी तंग नहीं डाले जाते आगे, ये पीछे से डालने। इस तरीके से डालोगे यहाँ से ये निकाल के और इस तरीके से दो या तीन गांठ आपको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से। फिर ये आपको पीछे भी इसी तरीके से ये यहाँ पे सीधा लेकर के फिर एक ऐसे, एक कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। ये देखिए फिर इसको ऐसे डालना है, फिर वापस इसको पीछे निकालना है, इधर सीख नहीं है उधर गांठ बंधेगी। देखिए जिधर काला काला पन्ना है सीख की तरफ गांठ नहीं बनती है, नहीं बनेगी। देखो ये दिखाई दे रहा था ऑफिस के अंदर यहाँ पे बंधेगी, जिससे आप ही पतंग पीछे की साइड हवा में उड़ेगी, पीछे की साइड आपकी गांठ बंधेगी पतंग की। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ, और बीच वाला सबसे मेन रहता है इम्पोर्टेंट। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कईयों की पतंग भारी हो जाती है, कईयों की हल्की हो जाती है, किस तरीके से करना है। देखिए पहले आप इसको ये पकड़िए यहाँ पे, ये जो आपके देखिए ऊपर यहाँ पे एक आपको स्टिकर दिखेगा आगे, यहाँ तक काली सीख पे आप इन्होंने ब्लैक कलर का कर रखा है। ये देखिए इस तरीके की यहाँ तक लाइए आधा, ये पीछे वाली कह रहा हूँ, ये पीछे वाली जो है इसको यहाँ तक लाइए, और ये जो आगे वाली है इसको यहाँ के तंग जहाँ पे आपने तंग गांठ बांधे यहाँ पे देखिए इस तरीके की आपकी बन जाएगी, और इसको यहाँ पे गांठ बांध दीजिए। और देखिए ये देखो और बाकी देखिए मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए। हाँ।